मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, परिवहन निगम में 21,700 पदों पर होनी है भर्ती और इसकी तैयारी में जुट गया है विभाग। पूरी खबर देखते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है देखिए, ये 1989 के बाद रोडवेज में होने जा रही है सीधी भर्ती। पहली भर्ती है 1989 के बाद जो रोडवेज में सीधी भर्ती के तौर पर होगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है वो भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे और कितने कर्मचारी संविदा पर हैं वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर पूरी जानकारी देख लेते हैं। चलिए, क्या है भाई, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में खाली पदों पर भर्ती होने जा रही है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद निगम प्रशासन ने खाली पदों का ब्यौरा तैयार किया है, जिसमें निगम में क वर्ग के करीब 21,700 पद रिक्त हैं। मतलब इन्होंने चार कैटेगरी बताई हैं, क ख ग और घ, मतलब A, B, C और D वर्ग बनाए हैं और उनमें 21,700 पद रिक्त हैं। इन्हीं पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और शासन से दिशा निर्देश मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो मतलब बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकती है परिवहन विभाग में कितनी भाई, 21,700 वैकेंसी। गौरतलब है कि 12,000 बसों के संचालन और निगरानी के लिए 73,000 कर्मचारियों की ज़रूरत है। मतलब टोटल कितने कर्मचारी चाहिए हमें, 73,000 कर्मचारियों की यहाँ पर ज़रूरत है। साथ साथ देखें तो वर्तमान में 18,000 नियमित और 33,000 संविदा मिलाकर कुल मिलाकर 51,000 कर्मचारी तैनात हैं। मतलब 18,000 जो सरकारी कर्मचारी हैं वो 18,000 हैं, जो नियमित हैं वो 18,000 हैं, लेकिन 33,000 संविदा कर्मी यहाँ पर हैं। कुल मिलाकर 51,000 जो हैं आपके यहाँ टोटल कर्मचारी काम कर रहे हैं। आगे बढ़ें तो इस लिहाज से 22,000 के करीब खाली पदों पर भर्ती होनी है। तो 22,000 करीब मतलब 21,700 बता ही दिया है मैंने। देखें यहाँ पर अगर देखें तो 9,000 बसें हैं रोडवेज के पास खुद की और 3,000 अनुबंधित हैं जो रोडवेज के साथ काम करती है, और मानक के हिसाब से एक बस पर कितना, 7.4 कर्मचारी की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या है भैया, इस बात को समझने के लिए कि भाई 7.4 कर्मचारी क्या करेंगे, भाई एक जो है रोडवेज अगर बस है तो उस पर एक ड्राइवर और एक कंडक्टर चाहिए जब वो चलेगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक बस पर एक ड्राइवर और एक कंडक्टर परमानेंट चलेगा। कहीं लंबे रूट की बस है तो जैसे ही वो आएगा तो बस तो चलनी है, उन्हें विराम दिया जाएगा, उन्हें थोड़ा आराम दिया जाएगा और वहाँ पर दूसरा कंडक्टर और दूसरा ड्राइवर उस बस पर जाएगा। इस तरह से दूसरा भाई वर्कशॉप होते हैं वहाँ पर भी जो है ज़रूरत पड़ती है तो उनका भी हिसाब देखना है, और साथ ही साथ जो ऑफिसर्स होते हैं उन सभी की ज़रूरत कुल मिलाकर जो एक बस पर आदमी चाहिए वो 7.4 का एवरेज आता है टोटल बसों और टोटल कर्मचारियों के हिसाब से। ये है खाली पद। क्या है भाई, कै वर्ग में प्रधान प्रबंधक के 22 पद खाली हैं। प्रधान प्रबंधक के कितने पद खाली हैं भैया, 22। खै वर्ग में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के 68 पद खाली हैं। गैवर में लिपि वर्ग संवर्ग के 4,610 पद खाली हैं, और घवर्ग में चालक और परिचालक के 17,000 पद खाली हैं। ठीक है जी। और बात करें यहाँ पर शासन के आदेश पर खाली पदों का ब्यौरा तैयार करके भर्ती के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, और शासन की ओर से जैसे ही दिशा निर्देश दिए जाएंगे वैसे ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टोटल कर्मचारी यहाँ पर कितने की ज़रूरत है, 55,000 की संविदा को हटाकर, और कितने कर्मचारी पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है, 21,700 पर, और इस समय कितने ऑफिसर कर्मचारी तैनात हैं, 18,000, और संविदा पर तैनात हैं 33,000। तो पूरी जानकारी है भैया, बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि आपको देखने को मिल सकती है 21,700 नए पद, वो भी कहाँ, परिवहन विभाग में। क्या आप भी परिवहन विभाग में जाना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।